सिर्फ क्लासरूम में बैठ के आप बिजनेस को सही तरह से नहीं सीख पाएंगे, और आप उसे अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाएंगे। कि कौन सी कंपनी ने इसी सिद्धांत को सफलतापूर्वक अपने बिजनेस में लागू किया और बहुत सारा बेनिफिट उठाया। क्यों हमारे देश में छोटे व्यापार टिक नहीं पाते और नए शुरू होने वाले व्यापार एक या दो साल में बंद हो जाते हैं? इनके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कारण के बारे में। एक बुजुर्ग इंसान मुझे बाजार में मिलता है जिसको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यापारी हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई, जब हमारी इसी टॉपिक पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बेटा, मेरे बाप दादा व्यापारी थे, उनके भी दादा परदादा व्यापारी थे, और कई पीढ़ियां हमारी व्यापार में जुड़ी हुई है, और वो लोग व्यापार के कुछ सिद्धांत को फॉलो करते थे, कुछ रूल्स को फॉलो करते थे जो कि ऑफर है और बहुत सिंपल होते थे। उन्होंने मुझे एक सिद्धांत के बारे में बताया जो आजकल हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते ही है, बट कुछ अलग तरीके से या कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। बट उन्होंने जो चीज़ बताई वो बहुत ही आसान तरीके से। उन्होंने एक रूल बताया मुझे, किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं या उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं अच्छे से, तो बिजनेस में जितनी लायबिलिटीज कम होगी उतनी ही बिजनेस की बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्रो करने के चांस बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं व्यापार में लायबिलिटीज कैसे कम की जा सकती है। सबसे पहला रूल, हो सके तो व्यापार शुरू करने के लिए जो कैपिटल लगता है वो अपनी खुद की सेविंग्स से लगाएं, या किसी रिश्तेदारों से या पहचान वाले दोस्तों से आप पैसा उधार ले लें, बट ऊंचे ब्याज दर पे पैसा ना लें, ना ही कोई महंगे लोन्स लेने की कोशिश करें। ये चीज़ आपके व्यापार पे बर्डन बढ़ा सकती है, इसीलिए अगर इसको अवॉइड किया जाए तो दो फायदे होंगे। एक, आप मेंटली फ्री रहेंगे, अगले महीने इसकी कस्त चुकानी है, ईएमआई चुकानी है, ये एक टेंशन नहीं रहेगा और आप व्यापार खुले मन से कर पाओगे। ये एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और आप सिर्फ अपने बिजनेस में माल बेचने पे या बिजनेस को ग्रो करने पे फोकस कर पाएंगे। नंबर दो, अपने मासिक खर्चों को कम रखें, मंथली जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है उसको कम कर दीजिए। वो किस तरह से कम करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप एक्स्ट्रा स्टाफ ना रखें, एक्सेसिव खर्चों पे ध्यान रखें, उसको नोट करें, उसको मेंटेन करें, ताकि आप उसे कम कर पाए, आपको पता चले कौन सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हो सके तो छोटी जगह से शुरू करें, प्राइम लोकेशंस की दरकार ना करें, क्योंकि वो आपका मंथली बजट गड़बड़ा सकता है, उसके रेंट्स ज़्यादा होते हैं या वो जगह महंगी होती है। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी शुरू में जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी ना खरीदें। कई लोगों को मैंने देखा है, ये सोचते हैं कि मंथली रेंटल कम हो जाएगा, खुद की ही जगह ले लेते हैं और खुद का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी मंथली रेंटल देने, बट ये उससे भी बड़ी लायबिलिटी है। सपोज़ कीजिए कल को आप बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चला पाए तो वो पूरी प्रॉपर्टी आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है। दूसरा, आप डिजिटल मार्केटिंग से किसी भी छोटी जगह से शुरू कर सकते हैं, छोटा यूनिट लगाए, छोटा यूनिट से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको सिस्टम का नॉलेज होगा कौन सी सिस्टम चाहिए, और आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नंबर तीन, अगर कोई लायबिलिटी आपने ली है तो उस लायबिलिटी को जल्द से जल्द भरपाई करें। आप मंथली जो भी रेवेन्यू कमा रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आधा उसमें डाइवर्ट करें, उसको जल्द से जल्द खत्म करने की सोचें। नंबर चार, गवर्नमेंट की सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाएं। गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली है जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर सकती है, कैपिटल लगाने में, बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सारी स्कीम्स है, आप उनके बारे में नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, एमएसएमई में भी जा सकते हैं आप, और ये जो स्कीम्स है वो आपको हेल्प करेगी इंटरेस्ट रेट को कम करने में, आपकी पूंजी को जल्द से जल्द, आपको ज़्यादा हिस्सा नहीं लौटाना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट में बहुत सारा सब्सिडी मिल जाएगा, तो ये चीज़ें आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे देश को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, इसकी वजह थी क्योंकि हमारे जो व्यापारी है वो देश विदेश में व्यापार करते थे और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारे सिद्धांत बनाए गए थे और आने वाली अगली पीढ़ी को ये ट्रांसफ़र किए जाते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो बनिए थे
तो ज्यादातर जैन कौम थी या बनी लोग जो थे वो कम्युनिटी ज्यादातर बिजनेस में रहती थी और वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को अगली पीढ़ी को पास करती थी और वो सक्सेसफुली वो पीढ़ी उसको चलाती थी। तो अगर हम इन सिद्धांतों को अपना लें, सीख लें, तो हमें ऑनलाइन जाके 10 दिन में MBA बनाने वाले कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ सकती और हमारा पैसा भी बच सकता है। अगर आपका कोई दोस्त, जानकार या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह से बिजनेस कर रहा है या शुरू करने की सोच रहा है, तो ये वीडियो उसको जरूर भेजें। आपकी की हुई छोटी सी मदद घूम फिर के यूनिवर्स आपके पास ही लौटाएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत की कौन सी कंपनी ने इसी सिद्धांत को सफलतापूर्वक अपने बिजनेस में लागू किया और बहुत सारा बेनिफिट उठाया। पर इसके पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए और ही ऐसे नए सिद्धांतों के साथ, नए वीडियोस के साथ जल्द से जल्द मिलूंगा। इसीलिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ मुकेश भाई अंबानी के बारे में, जो कि जिसे लोग प्यार से मोटा भाई भी कहते हैं। उनकी रिलायंस जियो जो 2016 में शुरू हुई थी, उसने 2022 में स्पेक्ट्रम का जब लाइसेंस लिया तो उस स्पेक्ट्रम के 30,700 करोड़ एक साथ ही प्रीपेड कर दिए, पहले से ही एडवांस में दे दिए। उससे उनको 1200 करोड़ रुपए की बचत हुई जो इंटरेस्ट में जाने वाले थे। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि वो 1200 करोड़ उनकी एक साल की कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है। तो उन्होंने सैलरी का जुगाड़ पहले से ही कर लिया। ये होते हैं इस सिद्धांत की सबसे बड़ी जीत। आपने देखिए, इस सिद्धांत को उसने अपने बिजनेस में लागू किया, आपने अपनी लायबिलिटीज को पहले ही कम कर दिया, उसने पहले ही पैसे चुका दिए। और इस तरह क्या हुआ, उनका फोकस 3 साल तक सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने में लगा रहा और उनकी कंपनी बेफिक्र होके आगे बढ़ते रही। सोचिए कि अगर आपके पैरों में बेड़िया बांध दी जाए, वजन लगा दिया जाए, आपके पीठ पे वजन लाद दिया जाए, क्या होगा? आप उतनी स्पीड से नहीं दौड़ पाएंगे जितना आपकी रेगुलर स्पीड है। रिलायंस के ओनर मुकेश भाई खुद तो केमिकल इंजीनियर है, वो पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे बिजनेस की, MBA की, बट उनके पिताजी ने बिजनेस में हाथ बटाने के लिए उनको आधे से ही वापस बुला लिया। उनका ये मानना था कि अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकली फील्ड में उतरना पड़ेगा, सिर्फ क्लासरूम में बैठ के आप बिजनेस को सही तरह से नहीं सीख पाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने मुकेश भाई को वापस बुलाया और धीरू भाई के द्वारा सिखाए गए कुछ प्रैक्टिकल सिद्धांत को, अनुभवी सिद्धांत को जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस में लागू किया और आप आज देख रहे हैं कि रिलायंस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। आजकल लोग मानने लगे हैं कि व्यापार को चलाने के लिए बहुत सारा तकनीकी नॉलेज चाहिए, MBA की नॉलेज चाहिए, इतना सारा तकनीकी ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। और इसीलिए इसी भ्रम का फायदा उठाते हुए सो कॉल्ड जो बिजनेस गुरुज है वो ऑनलाइन ऐसे वेबिनार्स या ऐसे कोर्सेज बड़े बड़े महंगे बेचते हैं जिसमें लोगों का पैसा फंस जाता है। बिजनेस सीखना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आप 1, 2, 4, 6 महीने में वेबिनार पे जाके या किताबों में रट्टा मार के या कुछ टेक्निकल चीज़ें सीख के बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो आज इंडिया सुपर पावर होता। बिजनेस सीखने के लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और प्रैक्टिकली फील्ड में उतरना पड़ता है। अगर आपके पास बिजनेस के कुछ सरल सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांतों की नॉलेज है और आप उसे अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के नए वीडियोस, नई नॉलेज को और व्यापारी सिद्धांत को सीखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें।